अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम अपने व्यूवर्स को कसूर का जो मशहूर एक दरबार है, कसूर का मशहूर जो है एक मेला है, आज हम अपने व्यूवर्स को उस मेले का विज़िट करवाएंगे, जिसका नाम है शाह सदर दीवान कादरी कसूर। तो ये जो लोकेशन भी आपके साथ शेयर करते चलें कि जो कसूर का बस स्टैंड है उसके बिल्कुल साथ ही तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर ये मेले का इनेकाद किया जाता है। और ये मेला जो है हर साल देसी महीनों में 17 फागुन को इसका जो है इनेकाद होता है, ये 17 फागुन को लगाया जाता है यहाँ पर, और 3 दिन होता है ये। और आम महीनों में अगर देखा जाए तो फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में, इस साल जो ये मेला लगा है ये मार्च के शुरू में 3, 4 और 5 तारीख को लगाया गया है, और देसी महीनों में से 17 फागुन को जो है ये मेला लगता है। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे दोनों शेर अहमद एंड उस्मान फुल एक्साइटेड हैं मेला देखने के लिए। तो आज हम आपको मेले का विज़िट करवाएंगे सदर दीवान कसूर, और साथ ही जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, जो जिनका मज़ार है यहाँ पे, जिन्हें हैदरुद्दीन उर्फ शाह सदर दीवान कादरी कहा जाता है, उनका यहाँ पे मज़ार भी है। तो आपको जब मज़ार मेले से फारिग होकर मज़ार का भी आपको जो है हम मज़ार की भी ज़्यारत करवाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। आइए हम आपको विज़िट करवाते हैं शाह सदर दीवान कादरी का मेला। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम मज़ार शरीफ पर पहुंच चुके हैं। हैदरुद्दीन उर्फ शाह सदर दीवान कादरी का ये मज़ार है, और जो कसूर बस स्टैंड के बिल्कुल ही साथ वाजिया है, और आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि मेला है, लेकिन आम रूटीन में भी लोग मज़ार शरीफ की ज़्यारत के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश है औरतों का भी, जबकि औरतों का यहाँ पर आना सख्त मना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग पास नहीं आते। खैर, अल्लाह पाक सबको हिदायत अता फरमाए। तो अभी हम आपको मज़ीद जो है मज़ार की ज़्यारत करवाते हैं, और जो है शाह सदर दीवान कादरी की जो है मज़ार के अंदर से भी कब्र मुबारक की भी आपको ज़्यारत करवाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा और हम आपको मज़ीद जो है विज़िट करवाते हैं। Thank you.